साबिक आईएएस अफसर हर्ष मंदर के घर, दफ्तर और चिल्ड्रन होम्स पर ईडी ने की छापेमारी। अक्टूबर 2020 में नेशनल चिल्ड्रन कमीशन ने भी हर्ष मंदर से जुड़े चिल्ड्रन होम्स पर भी मारा था छापा। हुकूमत की नाकामी और गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने पर किए जा रहे हैं ये इकदाम। दिल्ली फसादात के सिलसिले में भी हर्ष मंदर का नाम किया गया था चार्जशीट में शामिल। गुजरात में वजीर आला की तब्दीली के बाद भूपेंद्र पटेल हुकूमत के 10 काबीना की सतह समेत 24 वुजरा को गवर्नर आचार्य देवव्रत ने ओहदे और राजदारी का लिया हलफ। बीजेपी ने साबिका हुकूमत के किसी भी वजीर को नई हुकूमत की काबीना में नहीं दी जगह। नायब वजीर आला भी नहीं बनाया गया। जात और इलाकाई तवाजुन कायम करने की गई कोशिश। T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली ने किया बड़ा फैसला। विराट ने ऐलान किया कि अक्टूबर से होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद हिंदुस्तानी T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे, बतौर बल्लेबाज रहेंगे टीम के साथ वाबस्ता। कोहली के बाद टीम इंडिया की कमान संभालने की रेस में रोहित शर्मा को सबसे आगे है बताया जा रहा। बतौर T20 कप्तान काफी अच्छा है रिकॉर्ड। हैदराबाद में 6 साल बच्ची के साथ इस्मत दरी और कत्ल का मुलजिम पाया गया रेलवे ट्रैक पर मुर्दा। इनकाउंटर की धमकी के 2 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिली मुलजिम की लाश। पुलिस ने बताया कि ट्रेन के सामने छलांग लगाया तो कर रहा था फरार होने की कोशिश। पुलिस ने 30 साल मुलजिम पलाकोंडा राजू की तस्वीर जारी करके 10 लाख के इनाम का किया था ऐलान। दिल्ली फसादात के दौरान रामलीला मैदान में मोहम्मद अनवर को मुबैना तौर पर आग के हवाले करने पर दिल्ली की एक अदालत ने 5 मुलजिमान के खिलाफ कत्ल और आतिश जदगी के इल्जामात किए तय। सबूतों की मौजूदगी के बाद सवाल करने पर उन्होंने इल्जामात को कबूल करने से किया इनकार और मुकदमे का सामना करने पर हो गए तैयार। कन्हैया कुमार जल्द हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी से भी की मुलाकात। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि कांग्रेस के पास कन्हैया कुमार के लिए है एक अलग मंसूबा। कन्हैया अपनी पार्टी CPI से भी है नाराज। बिहार में कांग्रेस के रियासती सदर के इंतखाब के ऐलान के बाद कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। कोरोना वबा ने हिंदुस्तान में पहुंचाया बहुत ज्यादा नुकसान। हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक 4,44,000 अफराद गंवा चुके हैं अपनी जानें। लेकिन माहिरीन सेहत और माहिरीन मुआशियात की एक टीम ने एक नई तहकीक की बुनियाद पर दावा किया कि हिंदुस्तान में कोरोना से अमवात की शरह इससे 4 से 11 गुना हो सकती है ज्यादा। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में मुसलसल हो रही बारिश से हालात तश्वीशनाक। उत्तर प्रदेश के कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा हो चुकी है बारिश। वहीं दिल्ली में कल दोपहर तक 1,159.4 मिलीमीटर बारिश की गई है दर्ज। यूपी और दिल्ली में अगले 48 घंटे मुश्किल भरे। बारिश से 7 लोगों की भी हुई मौत। स्कूल्स को बंद कर दिया गया, साथ ही रेड अलर्ट भी है जारी। टेक अरबपति इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के जरिए चलने वाले इंस्पिरेशन 4 ने ऑर्बिट में अपना पहला ऑल सिविलियन मिशन किया लॉन्च। स्पेस एक्स का कारनामा, पहली बार 4 आम शहरियों को कराई खला की सैर। स्पेस एक्स के मिशन इंस्पिरेशन 4 ने रात 8:02 पर भरी थी परवाज। बीच समंदर में इंजन खराब हो जाने से 11 माहीगीरों के साथ फंसी माहीगीर कश्ती को इंडियन कोस्ट गार्ड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बचाया। मलपे साहिल से 35 नॉटिकल मील दूरी पर इंजन की खराबी से फंसी कश्ती को इस पर मौजूद माहीगीरों की कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी मदद के लिए अपील के बाद कोस्ट गार्ड टीम ने मौके पर पहुंचकर कश्ती को बचाने और साहिल तक लाने की कार्रवाई को दिया अंजाम।